सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारे साथ हैं एसएससी सीजीएल 2018 के एक सेलेक्टेड कैंडिडेट, जिन्होंने एसएससी एमटीएस 2019 में भी सिलेक्शन पाया है और हाल में ही जो जो रिजल्ट आई है फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें सर का नाम है। सर, अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दे प्लीज़। मेरा नाम सूर्य प्रकाश विलास है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं 2017 से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 2016 का मेरा ग्रेजुएशन है, देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एसएससी सीजीएल। 2017 में मैंने दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक नंबर से रहा। उसके बाद भी मैंने अपनी जो होप थी वो नहीं छोड़ी, आई स्टार्टेड कंटिन्यू विद दिस एसएससी सीजीएल। देन 2018 के अंदर मैंने अपना अच्छा प्रिपरेशन किया और एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ। आई स्कोर्ड अ गुड मार्क्स इन द प्री एंड फाइनल में जो मेन्स एग्जाम था उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, बट फाइनली आई कैन मैनेज इन द फाइनल लिस्ट। तो फाइनली ये मेरा सफ़र रहा एसएससी सीजीएल के लिए। 2019 में मैंने दिया, वो भी मेरा क्लियर रहा और मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं वेरियस। जैसे जैसे सर पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करते जाऊँगा, कौन से एग्जाम दिए, कितना किया दिया। तो ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। 2016 मेरा ग्रेजुएशन था और मैं अभी एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ। ओके सर, तो आपने अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा जानकर। और सर, ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं बहुत स्टूडेंट्स तक पहुंचने वाली है, तो उनके लिए थोड़ी जो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो बिगनर्स होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी जो है वो तैयारी के बीच में होंगे, तो उनके लिए जो कि अभी टीयर वन की पहले बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है 2020 में जो है वो फॉर्म आई है टीयर वन की, तो स्टूडेंट्स यूजुअली जो है वो टीयर वन की तैयारी कर रहे होंगे। और वीडियो में जो है वो आगे टीयर टू टीयर थ्री सभी के बारे में करेंगे। तो सर, पहले जो है वो आप टीयर वन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दें, ताकि ऑडियंस को जो है स्टूडेंट्स जो कि एस्पायर कर रहे हैं उन्हें बहुत हेल्प मिल पाए। हम स्टार्ट करते हैं टीयर वन की। जैसे हमारा जो एग्जाम होने वाला आई थिंक 27 मई से स्टार्ट होने वाला, जहां तक मेरी समझ है, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हमारे पास अभी अप्रैल है, पूरा का पूरा अप्रैल मान सकते हैं, 5-6 तारीख डजंट मैटर, और मई है, तो मतलब हम हार्डली अपने पास 50 डेज मान सकते हैं, 40-50 डेज मान सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि मैथ्स आपको जो पोर्शन वीक लग रहा है सबसे ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि मेरा अटेम्प्ट ही नहीं होता बिल्कुल भी मैथ्स में, या फिर जो मैं सेक्शन देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, उस सेक्शन पे आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है, हम उस सेक्शन पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई पर्टिकुलर बुक प्रेफर करने की जरूरत है, कोई नोट्स प्रेफर करने की जरूरत है। सिंपल है कि हम जो मॉक टेस्ट का अभी मैं आगे बताऊंगा मॉक टेस्ट के लिए, तो आप उसको रख दें, रीजनिंग को साइड रख दें, तो रीजनिंग में जरूरत नहीं है हमें किसी भी बुक की प्रेफर करने की। जीके की बात करें तो जीके का देखो सिंपल मीनिंग है, अगर आप पहले से लूसेंट करके आ रहे हैं, जो इंडिया लेवल की जो लूसेंट आती है, अगर आप वर्क कर ले आपने कम से कम 2 से 3 बार, तो फिर आपको मुझे नहीं लगता किसी बुक्स की जरूरत है। और फिर आप अपने लेवल, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जीके का, उसके थ्रू रिवाइज करते रहें। रोज के मॉक टेस्ट होते हैं, 10-10, 15-15 आप जीके के वो देते रहें। और करंट के लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप डेली का करंट पढ़ें, वो आपके लिए यूजफुल है। अगर डेली का नहीं पढ़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मंथली करंट आता है, स्टडी आई क्यू चैनल है, या फिर अड्डा 24x7, या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं एक्सवाइडेड, जो भी आपके लोकल चैनल हो उन पे आप देख सकते हैं मंथली। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट करके एज ए आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जीके का सेक्शन यहाँ से हो जाएगा। रही बात मैथ की, जो मैंने आपको बताया, तो मैथ्स के लिए मैंने प्रेफर किया था जो राकेश यादव सर की रेड कलर की बुक आती है, एक अर्थमेटिक वाली और एक एडवांस वाली, मैंने उसको किया था। उसके बाद गगन प्रताप सर का एक कोर्स मैंने परचेस किया था, तो उसके थ्रू मैं अपने आप को बूस्टअप किया था, क्योंकि बेस जरूरी, क्योंकि गगन प्रताप सर का जो कोर्स है वो थोड़ा सा हाई लेवल में आता है। ठीक है, अगर आप ये कहो कि आप बिगनर हो, यू कैन स्टार्ट विद दिस वीडियोस, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सर का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा के करते हैं। तो बेटर है आप वो जो रेड वाली बुक आती है अर्थमेटिक वाली आप पूरी कंप्लीट कर लें, एडवांस वाली पूरी पूरी बुक कर लें। आई एम गेटिंग श्योर दैट मीन्स के अंदर आप 70-75 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप इजीली अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपको चीज़ें मतलब करने में आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप हिंदी मीडियम से भी करते हैं तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देखोगे एसएससी सीजीएल के अंदर जो मैक्सिमम स्कोरर है ना इंग्लिश के अंदर, वो हिंदी मीडियम माध्यम वाले हैं। तो आप ये मत सोचें कि हम तो हिंदी माध्यम से आते हैं और सीबीएसई वाले या फिर इंग्लिश मीडियम वाले इजीली स्कोर कर जाए, नहीं, उनको ऐसा लगता है कि उनको इंग्लिश आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि जो हिंदी माध्यम वाले वो बहुत ज्यादा मेहनती बंदे होते हैं। तो आप बुक्स हैं, जैसे आप एमबी पब्लिकेशन आती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, आपके प्री के भी रहेंगे, मेंस के भी रहेंगे, सीपीयू के भी रहेंगे, और जो क्या कहते हैं स्टेनो के भी रहेंगे। तो आप उनको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, एक सेट रोज लगाएं, आपके लिए यूजफुल रहेगा।
फिर एक ब्लैक बुक करके आती है निखिल निखिल गुप्ता सर की, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। उसमें क्या क्या वोकेबली रहेगी, आप रोज का 10 से 15 वर्ड रोज लगाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ईडियम्स हैं 10-15 ईडियम्स रोज के करें, फिर हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 10-15 रोज करें। तो आप रूटीन बना लें कि हमारे सिनोनिम्स हैं वो भी मुझे 10 से 15 करने हैं, एंटोनिम भी 10 से 15 करने हैं, ईडियम भी 10 से 15 करने हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 से 15 करने हैं, स्पेलिंग वाले भी मुझे 10 से 15 करें। तो इस तरीके से आप 10-15 दिन यूज करें, फिर थोड़ा सा आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, 10 की जगह फिर 20, 20 की जगह 25, ऐसे करें। पहले 1 पेज पढ़ते थे, फिर 2 पेज बढ़े, धीरे 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 करके धीरे बढ़ाएं। तो ये जो आप कंटिन्यूटी रखोगे 50 दिन, तो आप खुद फील करोगे कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये कारगर सिद्ध होने वाली है, और व्हेन यू स्टार्ट इन द व्हेन यू सिट इन द एग्जाम, तो आप खुद फील करोगे हाँ कि मैंने जो मेहनत करी है उसका परिणाम मिल रहा है। लेकिन अभी आपको एक काम करना है कि आप 15-20 दिन थोड़ा सा पढ़ें, अपने आप को बूस्टअप करें, और उसके बाद आप एक रेगुलर एक मॉक टेस्ट दें। मतलब जब आपके पास 30 दिन रह जाएंगे या 20-25 दिन रह जाएंगे, तो रेगुलर एक मॉक टेस्ट दें। अभी मैं बिगिनर के लिए इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि आपको बहुत सारा कोर्स भी रिवाइज करना होगा, वो भी पढ़ना होगा, तो अब आप मॉक टेस्ट भी दोगे, उसको एनालाइज भी करोगे, तो हमारा लगेगा, ठीक है ना। तो आप कि आप क्या करें, सबसे पहले अब जो मैंने आपको बताया जिस स्ट्रेटेजी से, मैथ के लिए वो राकेश यादव सर की बुक, और रीजनिंग के लिए मैंने अभी आपको कुछ प्रेफर नहीं किया, आप जब मॉक टेस्ट दोगे वही आपके लिए यूजफुल है, 20-25 दिन में आप रिवाइज कर लोगे, या फिर प्रीवियस ईयर में जो जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को आप रिवाइज करके चले जाओ, मोड देने ना पाए। बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल है, आप उनको कर लें। इंग्लिश के लिए मैंने जो आपको बताया एमबी पब्लिकेशन होगी, निखिल गुप्ता सर की जो क्या कहते हैं वोकेबलरी वाली ब्लैक बुक हो गई, वो हो गई, और आप ग्रामर के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, नीतू मैम की जो केडी कैंपस वाली आती है वॉल्यूम 1, वो भी अच्छी है, उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम से दे रखा है, तो आपकी ग्रामर क्लियर हो जाए। ये 3 बुक मैक्सिमम ओके है, उसके बाद आप रेगुलर टेस्ट लगाएं वो हेल्पफुल है, और मैथ्स के लिए मैंने आपको प्रेफर किया। तो आई थिंक सो अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओगे तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता, आप प्री इजिली क्वालिफाइड करोगे, आई एम गारंटेड। ओके ओके सर, तो थैंक यू, दैट्स इट। आपने आपने जो है सर बताया अब टीयर 1 के बारे में, और टीयर 1 जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो है आप टीयर 2 में जा पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टीयर 1 में ही छट जाते हैं, तो टीयर 1 के लिए जो है वो कौन सा मॉक टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रेफर करना ज़्यादा अच्छा होगा? अगर मैं SSC की बात करूँ तो SSC में जो है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो SSC की MTS की बात करें, CHSL की बात करें या फिर CGL की, तो टीयर 1 का जो है वो मोर और लेस सेम ही रहता है, बस थोड़ा लेवल का जो है वो अंतर आता है। तो आपने जो है वो कौन सा टेस्ट सीरीज प्रेफर किया था, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रेफर करना चाहेंगे? हम अगर बात की जाए, जैसे बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज आती हैं, जैसे एक होती है टेस्ट सीरीज वाली जो आती है, टेस्ट बुक वाली आती है, नंबर 1, नंबर 2 एक आती है हमारे पास अड्डा 24x7 वाली भी आती है, फिर उसके बाद एक SSC ट्यूब वाली भी आती है। तो मैंने जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करी है, एक तो क्या कहते हैं ये वाली अपनी टेस्ट बुक वाली करी है, तो मैंने रेगुलर टेस्ट बुक वाला दिया, तो उसमें क्या है कि जो लेवल है वो सिमिलर रहता है, और जो उसके आंसर्स हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपको एक जीके का ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जीके में मान के चलो उसने ऑप्शन सी उसका आंसर है, तो वो ऑप्शन सी के बारे में नहीं बताएगा, ऑप्शन ए के बारे में भी डिस्क्राइब करेगा, ऑप्शन बी के बारे में डिस्क्राइब करेगा, ऑप्शन डी के बारे में डिस्क्राइब करेगा, तो सारी की सारी डिटेल बताएगा, तो वो आपको यूजफुल रहेगा, क्योंकि आप कर तो एक क्वेश्चन रहे लेकिन आपको हेल्प किस मिल रही, आपने चारों के चारों जो आगे हो सकता है कि 4 क्वेश्चन अलग भी बन सकते हैं, वो भी आपको हेल्पफुल रहेगी। ये आपका जीके का हो गया। इंग्लिश के अंदर सेम होता है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, सारे के सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करेगा, और मैथ के अंदर भी सेम है। अगर मैथ के अंदर उसको लगेगा कि वो इजी से इजी सॉल्यूशन दे सकता है, तो आपको सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बताएगा, और फिर आपको लगेगा कि आप हार्ड लेवल से कर रहे हैं तो आप उस पर भी स्विच कर सकते हैं। तो मैंने अपने लेवल में जो बुक प्रेफर करी, जो क्या कहते हैं टेस्ट बुक करी, टेस्ट बुक किया। आप SSC ट्यूब भी कर सकते हैं, उसका जो लेवल होता है थोड़ा सा हाई होता है, तो मैं प्रेफर करूंगा जो बिगनर है वो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करें, फिर आपको लगे कि आपका लेवल अच्छा बन गया है, आपका स्कोर टेस्ट बुक के अंदर अच्छा हो रहा है, 160, 170 हो रहा है, नाउ यू कैन स्विच टू द SSC ट्यूब, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो हार्ड 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 रहेगा, और जब हार्ड से हार्ड आप पकड़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम का कभी कोई भरोसा नहीं आता कि आपका इजी लेवल आने वाला है हार्ड लेवल आने वाला है, आप तो हार्ड के हार्ड का जो लेवल है उसको लेके चले, जितना हार्ड रहेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। अगर ईजी आ गया तो आप ईजिली कवर कर जाओगे, लेकिन हार्ड आ गया और आप फिर ईजी करके जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर डिप्रेस्ड होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो बेटर है आप टेस्ट बुक लगाएं, फिर आपको लगे कि मैंने अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दिया, देन यू कैन स्विच टू द SSC ट्यूब, और भी बहुत सारे जो हार्ड लेवल के मॉक टेस्ट हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।
ओके सर, तो ये जो है वो आपने बताई टेक्स्ट बुक के लिए कि बिगनर्स के लिए जो है वो लगानी चाहिए, और भी जो है वो उसके बाद जो है वो आप एडवांस लेवल की अदर पे स्विच कर सकते हैं। ओके सर, तो ये जो हो गई आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर बात करते हैं कि टीयर वन में अगर जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है तो टीयर टू आती है मेन्स की, तो टीयर टू के लिए जो है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, और इसके लिए जो है वो कौन से बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे? देखो, मैंने आपको ये बताया कि वो जो बुक है वो रेगुलर वही रहेंगे, जो प्री के लिए भी वही बुक रहेंगे और मेंस के लिए भी बुक रहेंगे, यानी टीयर टू के लिए बुक्स रहेंगे। अब सिंपल सा ये है कि जब आप एग्जाम दे के आते हो प्री के अंदर, तो आपको खुद एनालाइज हो जाता है कि मेरा एग्जाम क्लियर होने वाला है कि नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर से गट फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ मैं इतना स्कोर किया है और मेरे इतने इतने सही है, तो आपको पता पड़ जाता है। तो आप अगले दिन से एक दिन का रेस्ट लेके माइंड फ्रेश करके अगले दिन से आप स्टार्ट होते हैं। आप रिजल्ट का वेट ना करें कि आपका रिजल्ट आने वाला है, आपका लिस्ट में नाम आएगा, टीयर वन क्लियर होगा तब मैं टीयर टू की स्टार्ट करूंगा, आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। आपका जिस दिन से रिजल्ट आए आप उस दिन से ही लग जाए, मतलब सॉरी, जिस दिन से आप एग्जाम देके आए और आपको एहसास हो जाए कि हाँ मेरे एग्जाम क्लियर होने वाला, उसी दिन से लग जाए। मैथ्स के लिए मैंने जो आपको बुक्स बताई, अर्थमेटिक बुक और एडवांस राकेश यादव सर की, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे PDFs आते हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड, आप उनको सॉल्व करें। कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें अपने फ्रेंड्स वगैरह का जो होशियार होशियार बच्चे हैं, या फिर टेलीग्राम के अंदर एक ग्रुप बनाएं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वहां पर पिंग करें, वहां से सॉल्यूशन लें। आपके कोई टीचर है, आप जहां से कोचिंग ले रहे हैं आप उनसे भी क्वेश्चन करें, अलग से भी आप एडवांस लेवल की कहीं और से PDF आपको मिल सकती है, आप वो भी ट्राई करें। तो आप ये मैथ का स्ट्रेटेजी ही रहेगी कि चाहे हम प्री की करें चाहे हम टीयर टू की करें, तो सबसे बेस्ट है आप वो जो दो बुक बताएं वो करें। उसके बाद आपको जो PDF कहीं से भी मिले लेके आओ, सॉल्व करो, प्रॉब्लम आए अपने टीचर से पूछो, फ्रेंड से पूछो, ग्रुप में डालो, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो व्हाट्सएप हो। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको प्रेफर किया MB पब्लिकेशन, मोटी सी आती है, उसको आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, 2 से 3 बार कर लें उसको। उसके बाद आपके पास निखिल गुप्ता सर की वो वोकेबलरी आती है, उसको कर लें, ब्लैक बुक को, वो उसको टाइम लगेगा करने में। इसलिए अगर आप प्री से ही स्टार्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर मेंस में जाओगे, आप सोचोगे 1.5 महीने में उसको करो, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम उसे 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके वो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको याद होंगे। उसके बाद आप चाहें तो ग्रामर के लिए एक मिरर आती है, कॉमन एरर वाली आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं चाहें तो मेंस के लिए। और उसके बाद आप रेगुलर टेस्ट सीरीज लेगा। मेंस का सिंपल सा फंडा ये होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि मेरा कोर्स थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब थोड़ा कंप्लीट हो गया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है, आपका रिवीजन कंप्लीट होता है, उसके बाद आप रेगुलर टेस्ट दें तो वो आपको बेनिफिट रहेगा। तो आप ऐसे करेंगे तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज इन द मैथमेटिक्स एज वेल एज इन द इंग्लिश। तो आपको स्टार्टेड तो प्री से करना है, लेकिन उसको रिदम बनाते हुए आपको टीयर टू तक लेते हैं। तो दिस इज ऑल प्रिपरेशन फॉर द टीयर। ओके सर, अब आते हैं टीयर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि ये भी जो है वो आपका CGL में कभी अगर UFM गलती से भी आ गया तो फिर आपका पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगी, और आपका इसका जो है मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो सर डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए 2 ही क्वेश्चन आएंगे, और वही 2 क्वेश्चन जो है वो आपको लिखने हैं, कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके लिए कौन से सोर्स से तैयारी करें, और इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, इसमें इतना कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका मतलब लिखने का जो तरीका होता है, या फिर जिन्होंने स्कूल टाइम में हमने लेटर लिखे होते हैं, ऐसे लिखे होते हैं, वही चीज़ होती है और कुछ नहीं होता। बस सिंपल इसमें क्या है, जो कंटेंट का जो इशू है वो थोड़ा सा वेरी करता है। मतलब कंटेंट का इशू क्या होगा, आप जितना धांसू कंटेंट लिखेंगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन बनेगा टीचर्स के ऊपर और उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अखबार पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा हिंदी इंग्लिश मीडियम रहा है, तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैंने 2018 के अंदर 2 महीने का टाइम मिल गया, 2 ढाई महीने का, तो मैंने कंटिन्यूअस 2 ढाई महीने पढ़ा था। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंटेंट हो सकता था, जैसे अच्छा मुझे कंटेंट मिलता था, कोई आर्टिकल मिलता था मैं उसको नोट डाउन करता था, कोई इन्फॉर्मेशन आती थी उसको नोट डाउन करता था। तो उन चीज़ों को मैं क्या करता था, अगर जैसे ऐसे प्रैक्टिस करता था, एक क्या कहते हैं, एक नीरू मैम करके हैं, जो क्या कहते हैं बाजवा करके हैं, नीरू करके, पिनेकल पिनेकल कोचिंग है, उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया था। तो उस टाइम पे मैं बिगनर था, मैं स्टार्टिंग था मेरा 2018 में, मैं शायद फर्स्ट टाइम बैठने वाला, मेरा CHSL भी था और ये CGL का मेरा Tier 3 भी था। तो मैंने सोचा कि यार दोनों को बेनिफिशियल मिल जाएगा, एक बार कोर्स ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। तो वहाँ से जो टॉपिक आता था उन टॉपिकों को मैं देखता नहीं था कि मैडम का क्या सोल्यूशन है, मैं खुद से उनको लिखता था। और जो मैंने पढ़ा है द हिंदू के अंदर, या फिर जो बुक वगैरह, एक बुक करके आती है जो क्या कहते हैं लेटर्स के लिए भी होती है और उसके लिए होती है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, अरियंत भी आप ले सकते हो, अरियंत इज द मतलब हैंडबुक ऑफ लेटर बेनिफिट। राइटिंग है, द हैंडबुक ऑफ लेटर हाँ, लेटर राइटिंग। राइटिंग, हाँ
हाँ, बुक ऑफ लेटर है वो भी आपके लिए बेटर, और अरिहंत भी आपके लिए बेस्ट है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मेरे पास थोड़ा लंबा समय हो गया, मतलब अभी जो लास्ट टाइम दिया था वो दिसंबर में था, तो मेरे को भी नहीं पता कौन सी बुक रखी हुई है। अभी फिलहाल 2-3 महीने से मैं भी ऑफ पड़ा हुआ कि मेरे को क्या प्रेफर करना है क्या नहीं करना। तो आप सबसे बेस्ट है अरिहंत उठा के लाएं, वो भी आपके लिए बेनिफिट है। आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ें जिससे कि आपको नया कंटेंट के बारे में पता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट टॉपिक पे दे दिया तो आपके पास जो न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। देखो अगर सोशल टॉपिक आ गया तो ठीक है, आप पुरानी चीजें लिख दोगे किताब से, लेकिन अगर करंट टॉपिक आ गया तो आपको फिर प्रॉब्लम आने वाली। आप लिख तो दोगे लेकिन आप ज्यादा कंटेंट अच्छा लिखोगे तो आपको बेनिफिशियल ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दो दो नंबर का भी प्रॉब्लम होता है। आप एक एक नंबर से इंस्पेक्टर पोस्ट तक रह जाते हैं, एक एक नंबर से आप क्या कहते हैं 4200 2800 पे ग्रेड तक रह जाते हैं, एक एक नंबर से आप लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। एक एक नंबर का आप ये मत सोचिए कोई महत्व नहीं, एक एक नंबर का बहुत महत्व है। इवन एक नंबर में ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं खुद 0.5 से ऑडिटर के लिए रहा हूँ, मुझे ऑडिटर 2800 पे ग्रेड मिल जाता। अभी राइट नाउ आई एम ऑन 24 पे ग्रेड, लेकिन मुझे मालूम है कि आगे भी जाऊंगा तो मुझे 4200 4600 2019 के अंदर या फिर 2020 के अंदर जो आने वाला वहां मैं आराम से गेन कर लूंगा। बट स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, तो आपने लोड नहीं लेना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें रेगुलर, अरिंद की बुक प्रेफर करें, और आपके पास अगर नोट्स पड़े हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेटर से रिलेटेड या फिर निमन से रिलेटेड, आप उनको रेगुलर पढ़ते रहें, उनको रिवाइज करते रहें। और मेन मेन टॉपिक आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे मेन मेन टॉपिक के बारे में बताएंगे, उनको आप देख के जाएं। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं को देख के जाएं, क्योंकि बहुत बार एसएससी होता है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं ये टॉपिक आ सकता है 10 12 15 में से, वो एकदम हटके भी आ सकता है। तो आपने भी जो सेंस है जो विजडम है उसको भी लगाए कि हाँ ऐसा भी ये टॉपिक है कि नहीं पूछा गया, शायद ये पूछा जा सकता है, या फिर ये टॉपिक है रेगुलर इसको। जैसे अभी हम जब 2019 में जब देने वाले थे तो सबका जो अंदाजा था वो था कोविड में आने वाला, क्योंकि कोविड में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था इकोनॉमी के थ्रू भी, और क्या कहते हैं लोगों की क्या कहते हैं लाइफ से भी। तो सबको लग रहा था कोविड आने वाला, मैक्सिमम लोग जो थे 90% लोग कोविड को ही रट के गए थे, उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन आया क्या, प्रेसी राइटिंग आ गया। अच्छों अच्छों को नहीं पता था प्रेसी राइटिंग क्या होता है, लेकिन मैं अवेयर था इस बात को लेकर कि भाई कुछ भी आ सकता है, आपको प्रेसी राइटिंग भी पढ़नी है, ठीक है, आपको रिपोर्ट भी पढ़ के जानी है, आपको एप्लीकेशन भी पढ़ के जानी है, आपको लेटर भी पढ़ के जाना है, जो जो मेंशन करेगा आपको सारी चीजें देख के जानी है। आपको केवल इसके भरोसे ओके सर, तो टीयर 3 की बात आपने बता दी, अब आते हैं हमारे टीयर 3 तक हो गई, अब जो है वो CPT आती है और एक टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट चूंकि उतना भी हार्ड नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर CHSL की बात करें, तो CHSL में जो टाइपिंग टेस्ट बहुत हार्ड आती है इससे ज़्यादा, तो क्या स्टूडेंट्स को पहले से ही जो है वो टाइपिंग की तैयारी करते रहनी चाहिए, या फिर टीयर 3 के या फिर टीयर 1 निकलने के बाद जो है इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए? टीयर 4 होता है हमारा CPT, तो उसमें इतना लोड नहीं होता टाइपिंग का। एक तो इसमें एक्सेल बनाना होता है हमको, एक पावर पॉइंट बनाना होता है जिसको PPT बोलते हैं, और हमें और टाइपिंग करनी होती है जो 27 वर्ड पर मिनट होती है, जो इजीली हो जाती है, उसमें इतना लोड नहीं है। तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है, जैसे ही आपका टीयर 3 कम्प्लीट हो और आपको लगे कि मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, मेरे टीयर 3 में भी अच्छा करके आए, आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कुछ करने का। फिर आप अपने साइड टू साइड कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, और नाइट में या फिर आफ्टरनून में जब भी आप फ्री हो तो आप आधा घंटा 1 घंटा 1 घंटा आप टाइपिंग रखें। और जो आपके पास वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं, एक्सेल कैसे बनाते हैं, उनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको नई नई चीजें लगेंगी, कैसे होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं एक्सेल के अंदर, कैसे कैसे वर्क करते हैं, तो आपको टाइम लगेगा धीरे धीरे। जैसे ही आप 10 से 12 दिन कर लोगे ये पावर पॉइंट और एक्सेल, आप 10 से 12 दिन में बहुत ज्यादा मतलब फ्लुएंट हो जाओगे, आप इजीली उसको आंख बंद करके करने लग जाओगे। और टाइपिंग का सीन है, अगर आप 15 से 20 दिन टाइपिंग कर लोगे तो कोई लोड नहीं आने वाला, मैंने 15 से 20 दिन बोल रहा हूँ, और जो बंदा महीना 1.5 महीना कर लेगा तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, तो नॉट एन इश्यू। आप आराम से महीना भर के अंदर CPT की तैयारी इजिली कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से, और आराम से क्वालिफाई कर सकते। ओके सर, तो CPT और टाइपिंग की भी बात हो गई और DV भी जो है वो साथ में हो जाती है, तो सर क्या DV में कोई प्रॉब्लम एज सच आपको फेस करनी पड़ी थी, या फिर DV जो है वो इजीली आपका हो गया था? DV में सर मुझे प्रॉब्लम इसलिए फेस नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट थे जो ऑलरेडी रिक्वायर्ड थे, मैंने यूट्यूब के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लिए थे क्या क्या पूछने वाले हैं, और मैंने ये भी देख लिया था कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मैं उसको जल्द से जल्द कैसे बनवा सकता हूँ। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर करके रख रखे थे, क्योंकि अभी क्या रहता है कि जब हम फ्री बैठे रहते होते हैं तो ये ज़्यादा यूजफुल होता है कि हम अगर हम उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें जानें कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, तो आप उससे अवेयर रहेंगे। तो मैंने DV का पहले देख लिया था कि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहते हैं, मैंने ऑलरेडी उन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करे। फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट
नहीं है आपके पास, तो आप जल्द से जल्द बनवा के फ्री हो जाएं, जिससे कि जब आप वहाँ अपियर हो तो आप वहाँ शो कर सकें। पता पड़े आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आपको फिर प्रोविजनल डाल देंगे कि भाई आप बनवा के लाओ, फिर आप डिपार्टमेंट के लिए जाओगे तो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर इन केस कोई डॉक्यूमेंट भी मिस होता है तो वो प्रोविजनल डाल के आप जब डिपार्टमेंट में, जब आप क्लियर हो जाओगे डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो आप उस टाइम सबमिट कर दोगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। तो सारे डॉक्यूमेंट आप रखें, 10th 12th ग्रेजुएशन कास्ट सर्टिफिकेट और भी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप EWS से बिलोंग करते हो तो वो हो गया, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सारे के सारे टाइम पे रखें और वहाँ पर सबमिट कराएं, जब रिक्वायर्ड हो सारा चीज़ ओके है, कोई भी इशू नहीं आएगा। ओके सर, तो डीवी अब जो है वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी आपने बता दी, और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये जो CGL का एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं इसे मिनी IAS कहा जाता है, और ये जो है वो UPSC के बाद ही जो है वो एक ऑफिसर रैंक की अच्छी खासी जो है वो डिफेंस के बाद अगर बात करें तो ये अच्छी खासी जो है आपको जॉब दिलाती है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट लेवल के ही आपको यूजुअली मिलेंगे, तो क्या जो है कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वर्क करते रहते हैं कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं, और कैसे कितने कुछ इतने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लगातार बस तैयारी करते रहते हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं या तो पार्ट टाइम हो या फिर कहीं अदर जॉब में हो, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो जो है वो अपने टाइम मैनेजमेंट कर पाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। देखो जैसे मैं अपनी बात करूँगा, 2017 से ही मैंने होम ट्यूशन से लेना या फिर स्कूल में पढ़ाना या फिर कोचिंग स्टूडेंट में पढ़ाना मेरा स्टार्टिंग था। मैं पढ़ाते रहता था और मैं पढ़ते रहता था, मेरा दोनों का ऐसा ही नहीं केवल मैंने पढ़ाई करके ही एग्ज़ाम क्लियर किया, और केवल SSC CGL ही नहीं है, मैंने SSC MTS का भी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे का SSB भी दिया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड FCAT को क्वालिफाई किया हुआ है, CDS को किया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो क्वालिफाई किए हैं। तो मेरा एक स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मैं पहले तो खुद का पढ़ता था, कोचिंग वगैरह जब मैंने स्टार्टिंग में करी थी तो मैं उसको टाइम देता था, फिर अपने लाइब्रेरी में अपने सिटिंग आवर्स से उसको देता था, फिर शाम के टाइम पे मैंने ट्यूशंस ज्वाइन कर रखे थे 2 से 3 घंटे तक। तो अगर आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बिग डील। अगर आप जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब है 8 o'clock से या फिर 9 o'clock से, आप शाम को लौट के आते हो 5 बजे, 5 बजे आए आराम से, आप रिफ्रेश वगैरह हुए, ठीक है थोड़ा सा आराम करें अगर आप करना चाहें तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा शरीर दुख रहा है और मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो आप इजीली आके थोड़ा सा 5, 5:30 से 6:30 तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ 6:30 तक आपने रेस्ट किया, 1 घंटा आपने आराम किया, फिर 7 बजे आप रिफ्रेश होकर थोड़ा सा आपने चाय वगैरह कॉफी वगैरह पिया और रिफ्रेश हो। अगर आप 7 बजे से थोड़ा 11 बजे तक भी आप पढ़ेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट कुछ टी ब्रेक में लेना चाहें फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता आप ले सकते हैं, और बीच में अगर आपको लगे कि डिनर लेना है तो आप डिनर ले लें, 7 से 11 यानी 4 घंटे का अगर आप रूटीन रखोगे नाइट के टाइम पे, जो वर्किंग है, जो मैं जिनको बोल रहा हूँ जो हार्डकोर वर्किंग वाले होते हैं जो 8 से 5 बजे तक या 9 से 5 बजे तक काम करें, उनके लिए स्ट्रेटेजी बताना, क्योंकि मैं टफेस्ट से टफेस्ट लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे आऊंगा कि अगर जो कम काम करता है हाफ टाइम काम करता है वो कैसे मैनेज करेगा। तो आपने 7 से 11 तक यानी अगर आप 4 घंटे रोज निकालेंगे तो भी आप इजिली SSC का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन शर्त है इतना कि आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, आप 6 से 8 महीने इसी चीज को कंटिन्यू करोगे तो मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ एक पेपर पे कि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। 4 घंटे करोगे, आपके पास सैटरडे है, शायद सैटरडे ऑफ रहता है MNCs के अंदर या फिर कोई भी कंपनी के अंदर, या फिर संडे तो पूरा ही ऑफ है तो आप संडे को पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। इस टाइम पे दोस्त घूमने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा तुम आओ, तो देखो वो सारी चीज तैयार करनी पड़ेगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा त्याग किया इन 3-4 साल में, दोस्त मुझे बुलाते थे पार्टी के लिए, मैंने उनको मना कर दिया था, नहीं यार मुझे एक इंपॉर्टेंट काम, मैं बाहर झूठ बोलना पड़ता था, मम्मी पापा बोलते थे तुम आओगे कि नहीं आओगे त्योहार पे, तो मैं भी वो भी मना कर देते थे, मेरे एग्जाम्स हैं, मैं ये बोलता था। तो ये आपको इतना त्याग करना पड़ेगा, वो आप अपने लेवल पे कैसे करोगे वो डिपेंड करता है। अब हम उनकी बात करते हैं जो हाफ टाइम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाफ टाइम वाले अगर मॉर्निंग से आफ्टरनून तक जाते हैं फिर उसके बाद इवनिंग का टाइम बचता है, तो आप अपना से थोड़ा सा आराम करें, फिर रिफ्रेश होके कोई भी इवनिंग टाइम पे आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए रहेगा, लाइब्रेरी में एक कंसंट्रेशन लेवल होता है वो काफी हाई होता है, आपका डिस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि लाइब्रेरी में आप लोगों को देख रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है आप रूम पे रहोगे, हो सकता है किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, आपका फोन जनरल मोड में है, फोन बजने लगे, आप वहां से डिस्टर्ब होकर आप व्हाट्सअप चलाने लगे, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आपको पता है, आप इन चीजों से मतलब अवेयर हो ये क्या क्या चीज होती है। अगर इवनिंग टाइम आप वर्किंग वाले हो तो आप मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल टाइम है मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक, आप अपने मॉर्निंग अपने स्कूल टाइम में अपना दिया आपने, फिर आप आए अपने लंच वंच किया आपने आराम किया, फिर आप इवनिंग टाइम में पूरा का पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आपको पता है कि आपको किस किस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी करनी है, मैंने आपको शेयर कर रखी है, और जो प्रीवियस में मैंने बताया कि प्री और मेंस का किस तरीके से करना है वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेरे जैसा बंदा है जिसने 2-2, 3-3 घंटे तक केवल ट्यूशन पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा लोड है, अगर हम 12 घंटे भी पढ़ने के लिए निकालते हैं
तो 3 घंटे आप दे दें अपने ट्यूशंस वाले में, और आपके पास 8 से 9 घंटे खुद के बचते हैं, तो 8 से 9 घंटे आप रेगुलर करें 6 महीने, डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर देंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बस डिपेंड करता है कि हम कितने डिटरमाइंड हैं और हम कितने डेडिकेटेड हैं टूवर्ड आवर एम्स और हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। अगर आप हो तो डेफिनेटली कोई भी बंदा कर जाएगा, इवन IAS तक लोग बन जाते हैं, फुल टाइम जॉब में करते करते लोग IAS तक बन जाते हैं। और आपको मालूम है IAS का जो सिलेबस है काफी वास्ट होता है और काफी हार्ड भी होता है एज कम्पेयर टू द SSC, और SSC का तो उतना कुछ नहीं है। अगर SSC और UPSC की बात करें तो SSC तो उसके सामने तुच्छ है, एक सिंपल भाषा में बोलूँ उसके सिलेबस के हिसाब से। तो जब लोग फुल टाइम वाले भी IAS बन सकते हो, यार हम फुल टाइम में SSC क्लियर क्यों नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर क्यों नहीं बन सकते, बन सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन। ओके सर, अब ये भी आपने बता दिया कि जो कि वर्किंग स्टूडेंट्स हैं पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम के लिए, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा चीज़ था जो कि आपको मोटिवेट करता था कि मुझे लगे रहना है, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बीच में ड्रॉप कर देते हैं, और आपने खुद बताया कि आपका जो है वो 1 नंबर से जो है वो या 0.5 से जो है वो एक बार रह गया था, तो बहुत दुख होता है, कितने स्टूडेंट्स जो है वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, तो इस उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे जो है आप मोटिवेट रहते थे अपने आप को, कैसे मोटिवेट रखते थे ताकि अब मुझे करना है, मुझे अब कैसे नहीं, मुझे नौकरी लेनी है, तो इसके लिए कैसे मोटिवेट करते थे आप अपने आप को? देखो दो चीज होती है लाइफ में, मैंने कहीं सुना था, अब मुझे किसी ने बताया, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा और आपने बोला यार ये बंदा काफी मोटिवेटेड है और काफी मोटिवेट कर रहा है, और आप फिर उनसे उससे आपको लगा कि हाँ मुझे तो SSC सीजीएल क्रैक करना है किसी भी हालत में, तो वो कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन रहे, हो सकता है 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, महीने भर रहे। लेकिन एक होता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब अंदर से आग जलना है। जब तक आपके अंदर अंदर से आग नहीं जलेगी, तो आप चाहे एक चपरासी का एग्जाम क्यों ना हो, इसको हम ग्रुप डी लेवल का एग्जाम बोलते हैं, वो भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे, और IAS या फिर UPSC के जो हम बात करते हैं आप उसको तो वैसे भी नहीं क्लियर कर पाओगे। तो आपके अंदर अंदर से आग जलना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड था कि मुझे ऑफिसर लाइन में जाना, मतलब मुझे ऑफिसर बनने का तय था। मैंने बहुत सारी SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको बोलते हैं, नेवी के लिए मैंने अटेम्प्ट दिया, मैंने आर्मी के लिए अटेम्प्ट दिया, मैंने एयरफोर्स के लिए अटेम्प्ट दिया, मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होता है, मैंने सारे अटेम्प्ट दिए। लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि यार शायद मेरे लिए फौज नहीं बनी, आई स्टार्ट अडोप्टिंग द अदर फील्ड। उसके बाद 2017 से मैंने CGL को प्रिपरेशन स्टार्ट करना किया, फिर वहां मैंने देखा वहां भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे ITI में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, और बहुत सारे क्या कहते हैं और भी ऑफिसर्स लाइन होगी। तो मैंने बोला बेटर है मैं इस चीज में ट्राई करूंगा और वहां से ऑफिसर बनूंगा। फिर मुझे लगा तो आई कैन गो फॉर द UPSC एज वेल एज, तो मेरे ऑलरेडी ये तय था कि मुझे ऑफिसर लाइन में जाना है, तो वो मुझे अंदर से ही बूस्टअप करते रहती थी कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना। और अभी तक वो अचीवमेंट नहीं हुआ है, अभी मेरे को पहली जो जॉब है या फिर जो मेरा ये दूसरा एग्जाम है MTS 2019 में मेरा क्लियर है फाइनल, और ये CGL 2018 मेरा क्लियर है। तो इसका मतलब मैंने मैं यही रुकूंगा, आगे भी दूंगा, और आगे मेरा टारगेट ये है कि मैं अच्छे से अच्छे लेवल पे ऑफिसर रैंक पे किसी जल्द से जल्द पहुंचूं। तो उसके लिए जो आपके अंदर बूस्टअप केवल इतना होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप जब आप ये डिसाइडेड हो कि मुझे यही बनना है, तो आपको कोई भी ताकत है दुनिया की वो नहीं रोक सकती, आप डेफिनेटली अचीव करोगे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ठीक है यार इसने कर लिया मैं भी कर लूंगा, अच्छा ये भी अफसर बन रहा है मुझे भी अफसर बन रहा है, नहीं, आप देख के अफसर नहीं बन सकते, आपके अंदर खुद एक जिज्ञासा होनी चाहिए, खुद को आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो आप कितने भी साल साल, दो दो चार साल, 10 साल तक लगे रहो, आप नहीं क्लियर कर पाओगे। अब मेरे साथ ऐसा था कि जो स्ट्रेटेजी थी 2017 से वो थोड़ी सी मेरी ऊपर नीचे थी, और आप जानते 2017 में भी केस हुआ था, 2018 था वो 1 साल डिले भी हुआ था, उसके भी रीजन आज यही है, इसलिए हम 2021 में आज हमारी वो जो फाइनल लिस्ट है वो क्लियर हुई है। अगर सब कुछ स्मूथली चलता, हमारे जो साल है वो बर्बाद ना होते, तो शायद हो सकता है 2019 के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो चुका होता और आज मैं अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा होता है, फिर और भी एग्जाम क्लियर कर चुका था। तो आपने केवल अंदर से ही ये आग जलनी चाहिए, आपको लगना चाहिए मुझे सब में कुछ करना है। ये मत देखना कि मैंने जब वीडियो बनाया आप उससे मोटिवेटेड हो रहे हो कि हाँ अब मैं ये वीडियो देख के अब कुछ ना कुछ करूंगा, नहीं, अंदर से आपके अंदर ऑलरेडी ये होना चाहिए, इनबिल्ट होना चाहिए कि आपको कुछ कर गुजरना है, चाहे आपको 4 साल लगे, चाहे आपको 10 साल लगे, आप वो करके ही मानोगे, आप रुकोगे नहीं। सेम कंडीशन मेरे साथ थी, मैं भी क्विट करने वाला था बीच में, लेकिन मेरे जो अंदर की आग थी ना वो केवल यही लाइन बोलती थी कि अगर क्विट कर दिया तो फिर तू जाएगा कहाँ, अपनी आत्मा को कैसे जवाब देगा, अपने जब शीशे के अंदर जब तू खुद को देखेगा तो क्या बोलेगा कि तू हार गया अपने आप से। तो मेरे अंदर ये आग थी, मेरे अंदर ये था कि जब तक मैं बनूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, वो जो डायलॉग है ना मांझी का कि तब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, तो सेम डायलॉग मैं हो गए, मोटिवेशन वीडियोस हो गए, हो गए, खुद के आत्मा में उतरना, ईयरफोन लगा के वो गाने सुनना, खुद को मोटिवेटेड करना,
कर हर मैदान फतेह, समथिंग लाइक दैट। मतलब दीज सॉन्ग्स डेफिनेटली वर्क आउट है, मतलब ऐसी बात नहीं है, सॉन्ग्स ऐसे नहीं बनाए, ये सॉन्ग सही में लोगों को वो मोटिवेट करने के लिए बनाए हैं, जिनके अंदर आग जलती रहे, ठीक है ना, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जो जुनून है वो जलता रहे। नहीं तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, आप वो फिल्मी गाने सुनो, उस दिल तोड़ने वाले गाने सुनो, फिर वो दिल तोड़ के चली जाएगी और आप सोचते रह जाओगे। तो आपने ये नहीं करना, आप खुद को मोटिवेट करो। बाकी स्टोरी मेरी दूसरी साइड भी है, तो उसको कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना, अंदर से आग जलनी चाहिए। ओके सर, सर कुछ ऑब्स्टेकल्स क्या आपके लाइफ में जो कि आपने यहाँ तक पहुँचने के दरमियान आपके जो है रास्ते में मिले, जो कि आप अपने जो कि स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? कितने स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं कि ये सब कुछ आसानी से हो जाए, बस पका पकाया सब मिल जाए और जो है वो उन्हें इजीली हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, तो स्टूडेंट्स इतना एस्पायर करते हैं, लेकिन आप जो है वो कुछ अपना ऑब्स्टेकल बताएं अपने लाइफ से रिलेटेड जो कि आपको यहाँ तक पहुँचने में मिली और कठिनाइयों का जिन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा। पहले ऑब्स्टेकल मैं स्टार्ट करूंगा मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड। क्या था, जो मेरा सिलेक्शन रहा ग्रेजुएट ग्रेजुएशन का, वो थोड़ा सा मेरा मिसमैच रहा, लिटरली स्पीकिंग। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ बनावटी बोल रहा हूँ, मैं एकदम ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ। ये उसमें रहा कि मैंने करी बीटेक, ठीक है, अब उस बीटेक कंप्यूटर साइंस, मैं ग्रेजुएट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, मैंने बीटेक करी। अब मुझे वहां से एहसास हुआ कि मैं केवल प्राइवेट फील्ड में जा सकता हूँ, गवर्नमेंट कोई भी इसके लिए बननी बनी है, अब मुझे प्राइवेट फील्ड में नहीं जाना, तो मुझे बनना ही अच्छा था, मेरा यह तय था। तो फिर वहां से मैंने अपने आप को स्विच किया 2016 में करने के बाद, फिर 2016 के एंड में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। अब आप एक बताओ, आप जब स्टार्टिंग करोगे, जब आपको कुछ एबीसीडी भी नहीं पता जीके की, आपकी मैथमेटिक्स डिफरेंट लेवल की होती है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे यहाँ पर एक डिफरेंट होती है, आपको उसमें कमांड करनी पड़ी, कहने को तो 10th लेवल की, लेकिन 10th लेवल की नहीं आते। आप क्वेश्चन उठा के देखो, SSC CGL के, CHSL के, अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं, MSC लेवल के जो मास्टर होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका इंग्लिश का एक अलग लेवल है, फिर आपका रीजनिंग का भी है, तो उसको बूस्टअप करने में, उसको स्टार्टिंग करने में ही, मुझे समझने में कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। गाइड करने वाले थे, लेकिन ऐसे गाइडेंस नहीं थी कि कोई मेरा बड़ा भाई हो, मुझे कोई समझाने वाला। तो मुझे साल भर लगे उसको पूरा का पूरा ग्रैप करने में। जब मैंने ग्रैप किया तो 2017 तो मैंने रनिंग में दिया कोई 3-4 महीने की प्रिपरेशन, तो उससे मैं एक नंबर से रहा। फिर मुझे लगा कि अब 2018 में जो पेपर आएगा, मैं कैसे भी करके उसको क्रैक कर दूँ। अब सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल आ गई कि 1 साल का डिले हो गया। अब उसे 1 साल के अंदर खुद के पेशेंस रखना और खुद को ये मोटिवेट रखना कि कोई दिक्कत नहीं, 1 साल डिले हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेने का, 1 साल आएगा तो इस 1 साल को मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगा, और जो मेरे नंबर 160-170 आने वाले थे प्री के अंदर, मैं 100 नंबर लेके आऊंगा। ये भी मैं पॉजिटिव थिंकिंग रख सकता था कि भाई मेरे को 20-30 का मैं बूस्टअप कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपका लंबा समय आपको सही में ऑब्स्टिकल पैदा कर देगा और आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, आप क्विट करते हैं, सामान बांधते हैं, घर को जाते हैं और लौट सकते हैं। मैंने ये किया, मुझे लगा ठीक, SSC CGL नहीं आने वाला, रेलवे के एग्जाम आए, RPF आया, जूनियर इंजीनियर आया, रेलवे के उस टाइम पे बहुत सारे एग्जाम निकले थे और राजस्थान के भी निकले थे, तो मैंने वो एक राजस्थान LDC को किया। उस बीच में जब एग्जाम नहीं आया, रेलवे SI का जो एग्जाम था वो मैंने क्वालिफाई किया RPF, और उसके बाद मैंने सॉरी रेलवे का JEE क्वालिफाई किया, तीनों के एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। अब जिस टाइम मैंने क्वालिफाई किया, इनका जो मेंस का एग्जाम था, इनका मेन का एग्जाम आया उस टाइम पे जब मैं CGL 2018 का मेंस दे रहा था, सारे के सारे एग्जाम कोलैप्स हो गए। मेरा LDC का एग्जाम, यानी जिसकी सेकंड टीयर टू होता है, जिसमें टाइपिंग था, वो आ गया। उसके बाद मेरा CGL 2018 का मेंस था, वो भी मुझे देना था, मेरा JEE का मेंस था, वो भी मुझे देना था, और उनके बीच में मुझे RPF SI की रनिंग भी तैयारी करनी थी। मुझे चारों जो एग्जाम थे वो एक साथ आ गए। एक तो होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप एग्जाम क्लियर नहीं होते, एक बार ऐसा होता है कि सारे के सारे एग्जाम क्लियर हो गए। अब मुझे डिसाइड ये करना था कि मुझे किस तरफ जाना है। अब मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने तीनों चारों को सेलेक्ट कर लिया, मैं इधर भी गया, मैं उधर भी गया, मैं उधर भी गया, मैं इधर, मेरी जो एनर्जी थी वो आपस में बट गई। फाइनली मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी रही कि मैंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो मैंने CGL 18 पे किया, मीन्स के एग्जाम, क्योंकि मुझे मालूम था इसमें अच्छी पोस्ट मिल सकती है, बाकी में तो पोस्टिंग इधर उधर आएगी, तो मैंने उधर फोकस किया, तो वहां से मैं हुआ। तो मेरे सबसे जो ऑब्स्टेकल रहे वो ये रहे कि मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे करना है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी कभी कभी होगा, तीन तीन चार चार आएंगे, आपको लगे मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर, नहीं, आपको करना केवल एक ही पड़ेगा, आप केवल एक ही कर सकते हैं किसी टाइम पे। तो मेरा सिलेक्शन वहां पर थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा, मैंने सबको तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, मैंने एक को नहीं फोकस किया। अगर मैं एक को फोकस करता तो आज मैं हो सकता अच्छी 2018 के अंदर पोस्ट ले रखा होता, तो ये इसका ऑब्स्टेकल था। फिर 2018 बात करेंगे तो सब कुछ स्मूथली चला, एग्जाम एग्जाम सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। फिर 2019 में जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, ये सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो फिर मैं 2019 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और वहां से फिर मुझे लगा कि जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे इतना बड़ा इश्यू नहीं है, जब हम ये चीजें निकाल सकते हैं अपने डे टू
को हम निकाल सकते हैं और अपनी मेहनत को हम अपने डिप्रेशन के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन इतना बड़ा नहीं है, हमारी मेहनत से ऊपर कभी नहीं हो सकता। बस वो हमारी जो थिंकिंग है ना, उस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमारा डिप्रेशन उससे नीचे ही रहना चाहिए। तो बस मैंने ये करता रहा, जो भी ऑब्स्टेकल आए उनको मैं पीछे छोड़ता गया, मोटिवेटेड होते रहा, दोस्तों से मिलते रहा जब मुझे लगा कि दोस्तों से मिलना है मुझे। बात ऐसा बात नहीं कि मैं पूरा कट गया था दोस्तों से, जिस टाइम पे मुझे लग रहा था मेहनत करनी है, जिस टाइम मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना, फोन को साइलेंट में रखता था, इवन कभी कभी स्विच ऑफ तो नहीं करता था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल भी कभी आ सकते हैं घर से, तो मैं साइलेंट में रखता। जब मुझे लग रहा दोस्तों से मिलना, उनको मैं पूछता था भाई मिल सकते हैं क्या, तो वो मिलते थे, या फिर कभी भी संडे को आउटिंग पे चले गया, बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तो इस तरीके से एक रेगुलर रूटीन रखोगे, जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे उनको अपने सूझबूझ से, समझ से, विजडम से कैसे रिमूव करना है वो आप खुद करोगे, क्योंकि हो सकता है मेरी परेशानियां कुछ अलग हो, आपकी परेशानियां कुछ अलग हो, वो भी हो। और एक किस्सा और आता है इसमें, मैं थोड़ा हंस के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो गर्लफ्रेंड वाला सीन था मेरे साथ, ऐसा था क्योंकि 2016 से वो मेरे साथ थी, तो कुछ ऐसा इशू था कि मतलब मैं उसको लेकर थोड़ा सीरियस था ज़्यादा, तो वो भी एक मैं मान सकता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। बट फाइनली वो मुझे बूस्टअप करते रहते, वो बोलते रहते देखो आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो खुद आप होने वाले, ना कि मैं होने वाला। वो हमेशा ये लाइन बोलते थे, मेरी नहीं समझ में आते थे, होता है नहीं समझ में आता, जब कभी इंसान हास्यिक हो जाता तो चीजें होती हैं कि भाई डाइवर्ट हो जाता है। तो बेस्ट है आप अपने आप को जाने, ठीक है, अपने आप को देखें कि आपकी जो लाइफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे बड़ी होने वाली है, क्योंकि लोग आपकी जिंदगी में तभी इंपॉर्टेंस देंगे तब आप कुछ बन जाओगे। सेम है यार, आपके जो सर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मुझे, केवल इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि आज मैं सिलेक्टेड हूँ। अगर मैं अनसिलेक्टेड बोलता कि सर मुझे इंट्रोड्यूस करा लो, मैं बच्चों को मोटिवेट करूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, तो नो बडी गिव मी दैट इम्पोर्टेंट, नहीं देगा ना कोई। सेम चीज आपके साथ है, कोई प्यार मोहब्बत वाली चीज है उसको साइड कर दें, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। मैंने आपको पहले दूसरे नंबर पे ऑब्स्टेकल गिनाया, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है कि आप अपने जो मेहनत है उसको डाइवर्ट करके कहीं और दे रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। सकता है आपको बुरा लग रहा हो सकता है, बोले नहीं नहीं मेरा